व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वापस एक बार आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। भाई आज मैं फिर से एक बार खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट हार्ट को। आज मेरे कुत्ते मेरे पास नहीं है, थोड़े बहुत दूर है भाई। सामने चलते हैं और फिर से बात करते हैं भाई। अब सही है, अब मस्त लग रहा है। देखो भाई मेरे कुत्ते भी पीछे है। तो भाई आज मेरे को दो तीन काम करने हैं। एक आयरन फार्म बनाना, ठीक है। तो आज कोशिश करेंगे कि आयरन फार्म का पूरा ढांचा बनाए, और बाकी भाई विलेजर जो है वो सब नेक्स्ट वाले वीडियो में डाल दूंगा। ओके गाइस, बहुत ज्यादा बातें कर रहा हूँ, तो भाई फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करूँ। हाजिर हो चुका हूँ फिर से एक बार वर्ल्ड में। जो मैंने जो है ना आज थोड़ा और काम कर लिया है भाई ऑफलाइन, ठीक है। तो भाई वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। जहाँ जहाँ से मैं वाटर के थ्रू जा रहा था, मतलब कि बोट के थ्रू जा रहा था, जैसे कि यहाँ पर मेरा वो एक्सपी फार्म है, तो वहाँ पर जाने के लिए मुझे बोट चाहिए या तो फिर मैं तैर के जाता हूँ। तो उसको मैंने क्या कर दिया कि यहाँ पर मैंने एक रास्ता बना दिया है छोटा मोटा करके, और विलेज तक, यहाँ से लेकर विलेज तक टी का रास्ता बना दिया है। और भाई दो तीन चीजें मैंने फिक्स किया है, और एक जगह सिलेक्ट किया है ताकि वहां पर मैं थोड़ा बहुत फार्म, ऑटोमेटिक फार्म वगैरह में बना। अबे यार हिट हो जा, ये सही था भाई। ये वाला आप लोगों को दिखाई देता हूँ। तो ये कुछ ऐसे करके यहाँ से मैंने रास्ता बनाया, तो वैसे अच्छा ही लग रहा है, उतना ज्यादा खराब भी नहीं लग रहा। अबे यार यहाँ पर डिस्पॉन नहीं होते भाई, तो भाई मैं ऊपर क्यों जा रहा हूँ मुझे भी पता नहीं है। फ्लो फ्लो में कहीं भी निकल रहा हूँ। अब जब आ ही गया है तो एक दो काम करते है। अबे यार यहाँ का भाई खराब हो गया क्या? नहीं भाई ये चल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपना ये ठीक कर लेता हूँ। एटलीस्ट मेरे को दो तीन चार, देखते भाई कितने सारे, चार मेंडिंग और ये पांच छह सात मेंडिंग चाहिए। ओके गाइस ठीक है, आई थिंक ये इतने तक इनफ है। आज थोड़ा बहुत स्लो काम कर रहा है ये वाला फार्म, और करीब करीब आधा ही हो गया है भाई। चलो ये काम करते हैं भाई, यहाँ से चलते हैं। भाई मुझे एकदम ध्यान रखना है, नीचे मैंने एक और एक्स्ट्रा करके प्लेटफॉर्म बनाया है, ठीक है, इसकी बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पर इसीलिए बनाया है ताकि तू मर जा। तो ये प्लेटफॉर्म मैंने बनाया था हॉर्स के लिए। मैं सोच रहा था कि भाई हॉर्स के थ्रू यहाँ वहाँ भाई ट्रेवल वगैरह करूँ। रेल जो है ना भाई उसका सेटअप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इसी वजह से मैंने नहीं किया। अब यार ये लोग क्यों भाई आ रहे हैं रास्ते में क्यों आ रहे? चलो यार कितने सारे स्टैक हो गए, दो स्टैक हो गए, और दो स्टैक में कितने मिलेंगे? दो स्टैक में छह और भाई आठ के आई थिंक आठ मिलेंगे ना। नहीं भाई छह भाई बारह होते हैं भाई, क्या हिसाब का। बंदा मांग रहा था 18, ठीक है। पहले तो भाई 10 में डन था भाई, पता नहीं क्या हो गया उसको। वैसे इस विलेज में अब तक मेरे को कोई बिल्ली नहीं दिखी, तो देखते हैं भाई बिल्ली वगैरह भाई मिलते हैं कि नहीं। और ये बंदा भाई हमेशा यहाँ से भाई थैंक यू नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि ये बेड मेरा ही है। स्टोन मशहूर या फिर क्या कहते हैं भाई, स्टोन माशोक 11 है और 21 आ गए भाई, बहुत ज्यादा सही चल रही यार। वो बंदा किधर है? इसको तो भाई हाईली प्रोटेक्शन देना है मुझे, क्योंकि जरूरत है भाई। चलो यार एक और मेंडिंग आ गया है, और हम लोग चलते हैं ऊपर। ऊपर नहीं भाई, इसको ऊपर भेजते हैं सबसे पहले साले। अबे यार चलो यार ये मर गया। देखो ये रास्ते वगैरह मैंने हॉर्स के लिए ही बनाया है भाई। सैडल ढूंढ रहा हूँ, आई थिंक विलेजर से भी सैडल वगैरह मिलता है। कोई एक बंदा है जो लेदर वाला है, एक होता ना भाई कुलड्रोन, तो भाई वो कुलड्रोन वाले से हम लोगों को मिल सकता है। उससे तो भाई हॉर्स आर्मर मिलता है, तो आई होप उससे सैडल वगैरह भी मिले। फिशिंग से भी इजीली मिलता है, बट मेरे को वो नहीं मिला भाई, लक ऑफ द सी नहीं मिला। ये जगह मेरे को ठीक करना है, मतलब कि ये जो गड्ढे वड्ढे होते हैं ना भाई ये जगह। अबे यार ये भी मेरे को बेचना था, मैंने बेचा नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर से जब चल देंगे तब बेच देंगे, ठीक है ना। ये भी गया, तू भी जा, और जा भाई तू भी जा, फूड वगैरह खा लेते हैं ऊपर की तरफ को मुंह करके। और इन लोगों को भी नेम टैग देना है मुझे, ठीक है। और नेम टैग भी चाहिए, एटलीस्ट चार नेम टैग चाहिए, क्योंकि भाई आयरन का जो मैं बनाने वाला हूँ आयरन फार्म, तो वो थोड़ा बहुत बड़ा होने वाला है। तो भाई उसमें क्या होगा कि चार जॉम्बी की जरूरत है, ठीक है, एक दो नहीं भाई चार जॉम्बी की जरूरत है। उसमें से आयरन बहुत ज्यादा मिलने वाला है। मेंडिंग किसमें चाहिए था? ये वाले है ना भाई, अनब्रेकिंग है और एफिशिएंसी है, तो इसमें था। और भाई एफिशिएंसी 3 है और एफिशिएंसी 4 आई थिंक मैक्स होता है। तो भाई और भाई मेंडिंग का तो चाहिए भाई, मेंडिंग तो मेंडिंग ही होता है ना। और बस एक रेड वाला ये वाला बैनर मिल जाए ना, क्या ही बात है भाई, बहुत ज्यादा मस्त हो जाएगा। चलो यार
चलते हैं नीचे चलते हैं, और मेरा जो जगह है ना वो जगह आप लोग को दिखाता हूँ कि भाई मैं कहाँ पर मेरा फार्म एरिया बना रहा हूँ। ओके ठीक है गाइस, तो मैं पहुंच गया हूँ, यही जगह है जहाँ पर मैं फार्म वगैरह बनाने वाला हूँ। आई थिंक ये जगह इनफ है, तो भाई थोड़े बहुत आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे बिल्ड करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक स्क्वायर शेप लेना है, और वो क्या वो 19 ब्लॉक का होना चाहिए। ठीक है ना, तो 19 ब्लॉक का एक आप लोगों को स्क्वायर शेप लेना है। दो तीन भाई इसकी बात कर रहा था, देखो भाई कितना हुआ भाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ से फिर से एक बार 19 का। ठीक है, तो भाई ये बेसिक सेटअप होता है मतलब कि माइनक्राफ्ट के बिल्ड्स का। ठीक है ना, क्या ही समझा रहा हूँ, आप लोग समझते हो भाई। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 और ये 15 16 17 18 19 चल गया। मैंने सोच रहा कि भाई बहुत ज़्यादा बड़े मतलब कि साइज़ में बहुत बड़ा फार्म होने वाला है, लेकिन भाई उतना भी ज़्यादा साइज़ में बड़ा नहीं है। फटाफट से ये वाला भी कंप्लीट कर लेते हैं और 2 मिनट में मिलते हैं भाई। ओके ठीक है गाइस, तो ये क्या करना है आप लोगों को, ठीक है जैसे आप लोग देख पा रहे हो, तो ये 2 लेवल तक नीचे करना है, तो भाई ये बस आप लोग कर लो। और भाई इतने में क्या हुआ कि भाई मेरा जो शवल है इसका तो भाई हेल्थ एकदम ही भाई ना के बराबर हो गया, और ये एकदम कम हो गया। तो फटाफट से एक काम करते हैं, पहले तो भाई ये जो शवल आप लोग देख पा रहे हो इसका भाई लाइफ फिल करते हैं, और दूसरा भाई एक और मेंडिंग चाहिए मुझे, वो बताता हूँ क्यों। ठीक, तो ये वाला आप लोग देख पा रहे हो इसमें सिल्क टच, ये मेरे को मिला था बैशन, तो मेरे को चाहिए बहुत सारा स्टोन, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई वो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और अब जब सिल्क टच है मेरे पास तो भाई डायरेक्ट भाई स्टोन वगैरह कलेक्ट करेंगे, स्टोन से हम लोग वो चीज बना लेंगे। ठीक है, मतलब कि एक होता है भाई स्टोन ब्रिक या फिर ऐसा कुछ कहते हैं भाई, तो वो बना लेंगे। ठीक है, उसमें से डिजाइन जो है ना बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा दिखने में। तो भाई मैंने मेरा शवल वगैरह मैक्स कर लिया है और यूज भी कर लिया है, और मैंने थोड़ा बहुत एमरल्ड वगैरह भी कलेक्ट कर लिया है ताकि एक मेंडिंग का बुक खरीद सकूं। तो भाई चलो यार मेंडिंग वाली बुक खरीदते हैं। कहा है भाई तू जिंदा है क्या, अभी भी 18 में सेल कर रहा है, याद रहे भाई मरने वाला है तू। चलो यार कोई बात नहीं, ये मरे या ना मरे हम तो अपना काम करते रहेंगे। ओके, तो भाई ये वाला हो गया है कंप्लीट, ये था मतलब कि फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो सेकंड लेयर आप लोगों को क्या करना है, मतलब कि एक वाला ऐसा, ठीक है एक ब्लॉक ऐसे करके रखना है, और फिर से एक बार एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है ना, ऐसे करके एक स्क्वायर बनाना है। चलो भाई ये भी कंप्लीट करते हैं, और इसका भाई एक लेयर ही होना चाहिए। ठीक है, चलो गाइस ये भी हो गया है कंप्लीट, और भाई एक चेस्ट चाहिए मुझे क्योंकि भाई ये सब रखना भी है ना, बेकार में ही डर्ट क्यों वेस्ट करे भाई। तो भाई 9 ब्लॉक अलग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 9 नंबर वाला ब्लॉक है, तो भाई साइड वाला ब्लॉक इसमें मार्क करके रखते हैं। तो 10 नंबर का जो ब्लॉक है इसको क्या करना है, 6 ब्लॉक तक एक्सटेंड करना है। ठीक है ना, तो भाई 1 2 3 4 5 ये रहा 6, ये 6 कर दिया, और 6 ब्लॉक आप लोगों को क्या करना है ऐसे करके एक्सटेंड करना है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है ना, तो कितना हुआ 1 2 3 4 ये 5 5 ब्लॉक तक ऐसे एक्सटेंड करना है इस चीज को। तो 1 2 3 4 ये आई थिंक 5 हुआ। तो इसका क्या करना है, टेम्प्रेरी ब्लॉक लो, और टेम्प्रेरी ब्लॉक को ये वाला पिकैक्स में चाहिए, तो ये भी हटा दो। ठीक है ना, तो टेम्प्रेरी ब्लॉक को ऐसे रखो और इसके ऊपर ये वाला रखो। ठीक है ना, ये वाला जो लाइन है ना इसके आखिर तक इस चीज को एक्सटेंड करना है। ठीक है, और ये आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये यही सेम चीज आप लोगों को चारों तरफ बनाना है। ठीक है ना, और बनाने के बाद बस पानी डाल देना है और काम बन जाएगा। और हाँ भाई बीच वाला जो प्लेटफॉर्म है वो बनाना मत भूलना, वरना भाई बोले तो भाई ग्लिच करने लगेंगे और भाई एक बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा। चलो यार, तो ये वाला हो चुका है बनके तैयार, अब है यार मैं नीचे गिर गया हूँ, और इसको जो है ना आप लोगों को क्या करना है 6 लेवल तक पीछे एक्सटेंड करना है। तो मुद्दे की बात वही है कि आप लोगों को 7 7 लेवल तक का आप लोगों को एक्सटेंड करना है। ठीक है,
तो भाई हाँ, ब्लॉक्स आप लोगों को 6 ही लगाना है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 करके, और ऐसे करके लगाने के बाद ये वाला लगाएंगे यहाँ पर, तो ऐसे करके ये भी एक लेयर होने वाला है, ये दो लेयर होने वाले हैं, ठीक है ना। ये वाला ऐसे और ये खत्म, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। अब नीचे उतर जाते हैं क्योंकि भाई इस लेवल तक तो भाई हाथ पहुंच जाएगा ना। तो भाई आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि भाई ये चीज़ कैसे बनाना है। तो भाई ठीक है भाई, ऐसे करके बनाना है आप लोगों को। पहला वाला भाई एक स्टेयर दो और फिर 6 ब्लॉक दे दो, और फिर से एक बार एक लेवल ऊपर करके एक स्टेयर और पीछे 6 ब्लॉक, और एक दो काम करना है वो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ और वो कैसे करना है। तो ऐसे करके आप लोगों को 4 लेयर बनाना है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे करके बनाना है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, ये कुछ ऐसे करके, ठीक है ना। ये एक लेयर ऐसे करके, फिर इसका एक बाउंड्री दे दो, ठीक है, एक एज वगैरह दे दो और बस ऐसे करके, ठीक है। ओके भाई, वीडियो को एंड करने का वक्त आ चुका है, और जितना भी मैंने आयरन फार्म बनाया है ना भाई, तो इतने तक ही इनफ करते हैं, क्योंकि वे और भी बहुत सारे काम है। और बाकी भाई ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा भाई, वो जरूर से जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और भाई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और भाई शेयर करना, और भाई सब्सक्राइब तो भाई जरूर से जरूर करना मेरे चैनल को। बाकी भाई आज चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।